जंबो साइज बनेगी, जंबो साइज बनेगी, फुल जंबो अलमारी, जंबो अलमारी, पूरी अलमारी को कैबिनेट देखें आप, अलमारी का देखें क्या, ये देखें आप कैबिनेट का स्पेस देखें ऊपर का, माशाल्लाह से देखें ऊपर का हैवी, ये नीचे के तीनों पल्ले अलग हैं, ठीक है, तीनों पल्ले अलग अलग हैं, एक दो तीन, ऊपर का ये कैबिनेट अलग है, तीनों डोर इसके ये अलग अलग खुलते हैं, आपको भी अपना सामान जो है ब्लैंकेट वगैरह विंटर चल रहे हैं, आप काफी सारा सामान यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्यों कहते हैं यार हमारे घर पे आके साइज लें और हमें दीवार के अंदर बना कर दें, बना देंगे 10,000 रुपए आपको हमारे व्यूअर्स स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, इतना पतला पीस है, इतना पतला पीस है और भाई ये लेमिनेशन है मजबूत, इसको मैं तोड़ रहा हूँ लेकिन नहीं टूटा, इतनी बड़ी चाबी मार के देखिए आपको, कहीं कोई स्क्रेच आया, सही हो गया, नहीं आया, एक दो तीन इसमें शेल्फ आ गई, अच्छे वाले लोग लगाए, अच्छे वाले लोग, ये देखिए लॉक जो है ना इस चाबी के बगैर खुलेंगे भी नहीं, खुलेंगे भी नहीं, नहीं खुलेंगे, बड़े से बड़ा वो लेकर आ जाए तोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको हैंगर मिल जाएगा, हैंगर का ऑप्शन है, उसके बाद नीचे लॉकर है, ये लॉकर मिल जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। तो भाई आप लोगों को मैंने एक्रेलिक की अलमारी जंबो तो बहुत सारी दिखा दी, आज मैं आपको एक ऐसी अलमारी दिखाने वाला हूँ जो कि आपके बजट में आएगी, ये लेमिनेशन में अलमारी तैयार हुई हुई है, इसके अंदर आपको थ्री डोर नीचे मिल जाएंगे देखने को और ऊपर थ्री कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे, और मेरे साथ आज मौजूद होंगे यासिर भाई, ये आपको डिटेल से बताएंगे, अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे और 15-20 दिन में इंशाल्लाह आपको ये बनाकर दे देंगे। तो अब यासिर भाई स्टार्ट करते हैं, इसकी डिटेल्स हमें बताएं, डिटेल में आपको बता रहा हूं, देखिए ये अलमारी जंबो साइज बनी, जंबो साइज बनी है, फुल जंबो अलमारी, जंबो अलमारी, पूरी अलमारी को कैबिनेट देखें आप, अलमारी का व्यू दिखाएं, ठीक हो गया, ठीक है कस्टमर को, अच्छा इसके अंदर हमने जो है ना पीछे जो है ना लेमिनेटेड, मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, ये नीचे के तीनों पल्ले अलग हैं, ठीक है, तीनों पल्ले अलग अलग हैं, एक दो तीन, ऊपर का ये कैबिनेट अलग है, तीनों डोर इसके ये अलग अलग खुलते हैं, आपको भी अपना सामान जो है ब्लैंकेट वगैरह विंटर चल रहे हैं, आप काफी सारा सामान यहाँ पे आप रख सकते हैं, काफी बड़ा स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गया इसकी कैबिनेट, ये वाला जी हाँ, इसका कैबिनेट आ गया, ये ठीक है, एक साइड, अच्छा देखें जो हमारा जो डोर खुल रहा है ना नीचे वही ऊपर खुलता है, सही है, हमने सेम ऊपर से नीचे तक जैसा बनाया है, ओके ठीक है। तो शाम हमारे व्यूवर्स को दिखाएं, हमारी एक दो तीन इसमें शेल्फ आ गई, ठीक है, वही इसमें हमने शीट लगाई है, पौने की शीट लगाई, मजबूत वाली, मजबूत वाली शीट हमारे व्यूवर्स को दिखाएं, ये देखें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ओके, लेमिनेशन शीट पे ये बनी हुई है, ठीक है, सही है। अब इसके हम लॉक भी दिखा दें दिशाम भाई, लॉक हमने, सही हो गया, लॉक दिखाएं, ठीक है, कैमरा लाइन लॉक दिखाएं व्यूअर्स को हमारे, ये देखें हम, ये लॉक आ गए व्यूअर्स, अच्छे वाले लॉक लगाए, अच्छे वाले लॉक हैं, ये देखिए लगाने कोई किस्म के लगाए हैं, ये लॉक वो पुराने जमाने में नहीं लगे हुए, जी हां लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारियों में लगे हुए, ये वाले लॉक हैं देखें, ये वाली चीज लगाई है, ये दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, चाबी देखें इसकी भाई, ये चाबी अगर घूम गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको, दरवाजा निकलवाना पड़ेगा, दरवाजा आपको निकलवाना पड़ेगा, चाबी का ख्याल आपने स्पेशल रखना है दिशम, इसमें एक पता क्या चीज है, इसमें ये है कि ये लॉक जो है ना इस चाबी के बगैर खुलेंगे भी नहीं, खुलेंगे भी नहीं, नहीं खुलेंगे, बड़े से बड़ा वो लेकर आ जाए तोड़ना पड़ेगा, अच्छा उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा, देखें जब ये चाबी हम खोलते हैं ना, इधर देखें ना ये, सही है, अब है। इतना मोटा और इतना भारी चीज है, वो कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, तोड़ के निकलेगी ना, तोड़ के निकलेगी, और हमने इसीलिए दो दो पल्ले लगाए, जी हाँ ये डबल तोड़ना भी आसान ना हो, जी हाँ ये डबल शीट पे बनी हुई है, सही हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं इसके नीचे वाली साइड दिखा देते हैं, फिर ऊपर वाली बात में दिखाएंगे, ठीक है, देखें इसकी नीचे वाली साइड, ये नीचे वाली साइड में आपको हैंगर मिल जाएगा, हैंगर का ऑप्शन है, उसके बाद नीचे लॉकर है, ये लॉकर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से अगर कोई अंदर बनवाना चाहता है तो वो भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, इसमें लॉकर आ जाता है, हो गया। एहतिशाम भाई तीसरा डोर इसका खोलें, तीसरा डोर आ गया, ठीक है, हैंगर आ जाता है, उसके बाद एक शेल्फ, ठीक है, उसके बाद दो, ठीक है, फोल्डिंग ड्रॉर्स, फोल्डिंग शेल्फ है, ठीक हो गया, हटा भी सकते हैं, ऑप्शन है लगा भी सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ड्रॉर्स भी जो है ना जिसमें भी चाबी जो है ना वो आप ये मत समझिएगा कि लोकल है, एसएस की लगाई हुई है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, एसएस की चाबी इसमें लगी हुई है और ड्रॉर का भी काफी अच्छा स्पेस है, देखें ये देखें मजबूत है, कस्टमर एसएस के इसमें चैनल्स पट्टी लगी हुई है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा ये भी फोल्डिंग है इसमें, जी हाँ ये भी फोल्डिंग है, इसमें आप कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ इसमें चाबी ही अच्छी वाली नहीं है भाई, इसमें लॉक भी अच्छे वाले लगाए हैं एसएस के जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्यूअर्स इसके कैबिनेट्स की तरफ, कैबिनेट दिखा दें दिखाएं हमें ऊपर से, देखें कैबिनेट, ये देखें आप कैबिनेट का स्पेस देखें ऊपर का, माशाल्लाह से देखें ऊपर का हैवी स्पेस है फुल, और लॉक भी कैबिनेट के बहुत अच्छे वाले लगाए हुए हैं व्यूअर्स, इसको व्हाइट कर दो तो व्हाइट में ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा, अगर वैसे नजर नहीं आ रहा तो, ठीक है। इसमें देखें ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है,
बीच में कोई शीट नहीं लगी, मतलब ये है कि ठीक है, अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे एक शेल्फ लगवाना चाहते हैं, बढ़वाते हैं, तो इसके सर कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे आप या नहीं? अगर कोई हमारा जो व्यूवर्स अगर इसमें जो है ना एक शेल्फ बढ़वाना चाहते हैं तो वो हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई हैंगर रोड बढ़वाना चाहते हैं? नहीं, इसके हम इस तरह के पैसे आम हो गए, पैसे नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह छोटे मोटे कामों के आप पैसे नहीं लेंगे। ओके, हो गया। अच्छा, तो भाई ये थी व्यूवर्स आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे यार शाम भाई कोई लेमिनेशन में भी अलमारी एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये थी अलमारी आपके सामने, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में अलमारी बनी हुई है ये, अगर कोई बनवाना चाहता है। अच्छा सर, काफ़ी हमारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कहते हैं यार हमारे घर पर आके साइज लें और हमें दीवार के अंदर बना कर दें। बना देंगे, वो भी आपने मुझे दिखाई दी यहाँ पर। जी हाँ, अब मैंने आपको एक वो जो हमारे कस्टमर को हमने बना के दी, बहुत ही खूबसूरत अलमारी थी भाई, वो पूरी लसानी में अलमारी बनी हुई थी, उसकी जो डेप थी वो 12.5 फीट की उसकी चौड़ाई थी और तकरीबन 10 फीट की उसकी लंबाई थी। जो मैंने आपको दिखाया था। माशाल्लाह बहुत, इंशाल्लाह उनसे हम परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी उन्होंने डिलीवर करवाई है वो यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो कस्टमर के घर चली गई है, तो जैसे वो अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, वो भी आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वो वाली सर्विसेज भी आपको भाई देते हैं, टीम जाएगी पूरी आपके घर पे, साइज लेगी, साइज लेने के बाद आपको एस्टिमेट बता देगी भाई ये क्वालिटी में बनवाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, इस साइज में बनवाएंगे, तो तमाम इनकी पूरी एक प्रॉपर टीम है। आप इनसे जब रابطہ करेंगे तो क्या है, हम किसी शोरूम पे नहीं खड़े हुए, ठीक है, हम खड़े हुए कारखाने में। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर को एक फायदा है, वो ये है कि आप अपनी हिसाब से चीज बनवा सकते हैं, अपनी मर्जी का, जो भी मर्जी से आपको बनवाना है वो आपको, या सिर्फ मतलब की फैक्ट्री से आपको साइज बढ़वाना है, सही है, 2 फीट का कैबिनेट इसको 3 फीट भी करवाना है, अगर जैसे उमन लोगों की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, फ्लैट है उनकी, किसी के 9 फीट के फ्लैट है, सही है, तो हाइट में कम ज्यादा होता है, तो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक हो गया। अच्छा, तो यासिर भाई जैसे कि हम फैक्ट्री में खड़े हैं तो प्राइस भी फिर फैक्ट्री वाली होगी? जी जी बिल्कुल, ये तो नहीं है कि शोरूम वाली प्राइस देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बताएंगे प्राइस मार्केट प्राइस क्या है। और आपसे इत्तेशाम भाई, बात ये है कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, वो ये है कि कस्टमरों को पता लगे कि और अवेयरनेस दें हम, जी हाँ, कि मुनासिब पैसों में अच्छी चीज़ कहाँ से। हम आपको शुरू से यही चीज़ बताते आए हैं कि इत्तेशाम भाई, हमारे जितने भी देखने वाले हैं और काफ़ी लोग हमें देखते हैं, तो उनको इस चीज़ में अवेयरनेस मिले कि हम क्या लगा रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, ठीक है, हम क्या परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हम हर चीज़ को दिखाते हैं। कस्टमर को दिखाने का मकसद क्या है, भले आप हमसे लें या ना लें, सही है, लेकिन आप चीज़ देख के लें। ओके, हो गया। आप कहीं से भी लें तो आप चीज़ देख के लें, चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, ठीक है जी हाँ। अच्छा, सबसे अहम बात यह होती है कि शीट कौन सी लगा रहे हैं, काफी लोग गन्ने की शीट लगाते हैं, ये बताएं कि आपकी कोई गन्ने की शीट तो नहीं है? गन्ने की शीट का मैं आपको आज डेमो दिखा देता हूँ। गन्ने की शीट भाई दिखा रहे हैं आपको, ये देखें, ये गन्ने की शीट है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये गन्ने की शीट नहीं है, ये नहीं है, ये लेमिनेशन है, ये देखें हाथ से, अगर इतना पतला पीस है ये टूट सकता है, सही है, ये देखें टूट सकता है, ये नहीं टूट रहा, मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखें ये देखें इतना पतला पीस है और नहीं टूट रहा भाई, ये लेमिनेशन है, मजबूत, उसको मैं तोड़ रहा हूँ लेकिन नहीं टूट रहा, ये लेमिनेशन की पहचान होती है, टूट जी हाँ। अब वो देखें, पता है क्या, बहुत सारे हमारे जो है ना वो कस्टमर हैं और वो हमसे यही कहते हैं कि देखें यासिर भाई, अच्छा बहुत सारे लोगों ने रापता करा है तिशाम भाई, वो कहते हैं कि यार आप जो लेमिनेशन हमें बता रहे हैं, हम तो लकड़ी का फर्नीचर यूज करते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों ने सवाल करा मुझसे कि यासिर भाई इसमें मजबूती पायदारी होती है या नहीं होती, कि हम ले और जो है वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो हाथ में आ जाए, हाथ में आ जाए। तो मैंने कहा देखें, बात ये है, लेमिनेशन है, सही है, कंपनी प्रेसिंग शीट होती है, ठीक है ना, ठीक हो गया, इसमें पायदारी मजबूती बहुत होती है, ठीक है। अब देखें, और इसकी खास बात ये भी है कि इसके ऊपर अगर आप पानी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो ये खराब नहीं होता, जी हाँ, ठीक है, गीले कपड़े से आप इसको साफ भी कर सकते, साफ गीले कपड़े से कर सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई कस्टमर बोले कि मैं इसको जो है ना पाइप लगा के धोना शुरू कर दूं, तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई पानी जो है इस पे डालना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं हो, आप गीले कपड़े से धो सकते हैं। और एक चीज और इस पे एहतिशाम, स्क्रेच लेस है ये, इसमें स्क्रेच नहीं आते, ठीक है ना, ये देखें, इतनी बड़ी चाबी मार के देखें, कहीं कोई स्क्रेच आया? सही हो गया, ठीक है, स्क्रेच नहीं आता, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। यासिर भाई, अब करते हैं इसकी प्राइस की बात, वीडियो बहुत लंबी हो, देखें इत्तेशाम भाई, वैसे अगर कोई अलमारी हमसे वैसे बनवाता है बगैर वीडियो के रेफरेंस से,
इसमें पोने की शीट लगी हुई है, यूनिक इसमें ताले लगे हुए हैं, हैंडल रॉड वाले लगे हुए हैं, ठीक है, विद कैबिनेट। वैसे अगर हमसे कोई कस्टमर के अलावा, वीडियो के अलावा अगर हमारे पास कोई आता है बनवाने, तो उसको हम देंगे 55,000 रुपये की, 55,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई आपकी वीडियो का रेफरेंस हमारे पास आता है तो हम इसको बना के देंगे 45,000 की, 45,000, जी हाँ, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, ये वाली अलमारी आपको 45,000 रुपये में मिल जाएगी, वैसे 55,000 रुपये की, लेकिन 10,000 रुपये आपको हमारे व्यूअर्स डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो अपना यासिर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया हमारे व्यूअर्स को, काफ़ी चीज़ें सिखाई आपने कि यार किन चीज़ों का लेने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, यदि आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। आप यही वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप मेरे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।